हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद एमएस मम्मा चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मसाले का चिकन। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने ऐड करा है 2 टीस्पून ऑयल और इसी के साथ मैंने एक स्मॉल ऑनियन इसमें डाल दी है इसी तरह से स्प्लिट करके। और अब हम इसे सॉटे कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। इसे अच्छी तरह से हमें कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 8 चिलीज़, ग्रीन चिली हम इसमें डालेंगे और नंबर्स में 8 हैं, और वो हम डाल के सिर्फ 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। हमें बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा इसके साथ सॉटे करके हम इसको अलग निकाल लेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसे पहले बिना पानी डाले ग्राइंड कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा एक बंच कोरिएंडर डाला है, यानी कि हरा धनिया डाला है। और मैं इसे पहले ऐसे ही चला लेती हूँ मिक्सी में और फिर बाद में हम इसमें पानी डाल के चलाएंगे। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरह से ग्राइंड करा है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अभी हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 सिनेमन स्टिक और 5 कड़ी पत्ता लेंगे और इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 बड़ी प्याज बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक क्रश किया हुआ, हमने इसे पेस्ट नहीं बनाया है, क्रश किया हुआ हम इसमें डालेंगे और इसे सॉटे कर लेंगे हम। तो इसे 2 मिनट तक आपको सॉटे करना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टमाटो, ये हमारे मीडियम साइज़ के टमाटोज थे, दोनों इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। जब तक हमारे टोमेटो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसी तरह से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम इसमें एक 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। हमारी ऑनियन और हमारी यानी प्याज और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए नमक अच्छा काम करता है। इस टाइम पर हम डालते हैं तो हमारा ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने ये रेड चिली पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर और 3 टीस्पून डाला है मैंने ये धनिया पाउडर। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा प्रोसीजर हमारा मीडियम फ्लेम पे ही चल रहा है, हमने अभी फ्लेम कुछ हाई नहीं करा है ना ही लो है, मीडियम फ्लेम पे हमारे ये सब मसाले भुन रहा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर उसके बाद हम हाई फ्लेम करके इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे हाई फ्लेम पर ही, उसके बाद हम बाद में मीडियम फ्लेम करेंगे। तो पहले हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। और अब हम इसे 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही खोल के भूनेंगे और बीच बीच में से चलाते रहें, भूले नहीं, अच्छी तरह से चलाते रहें। ये देखें, 8 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को भुने हुए। और अब हम इसमें अपना जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था वो ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे, आप रेगुलर मिल्क भी ऐड कर सकते हो। और ये हमने 3/4 कप यानी कि 150 ml ऐड करा है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 कप यानी कि 100 ml के करीब पानी भी ऐड करा है। और अभी इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हमने लिड को कवर कर दिया है और 15 मिनट तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। देखें, हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है
और अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाएंगे। और ये मैंने कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, इसे मिक्स कर देंगे। ये देखें हमारा हरे मसाले का चिकन करी एकदम रेडी है और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आप बनाएं इस डिश को तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी डिश कैसी बनी। ये बहुत अच्छी मज़े की डिश बनती है, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।